पाकिस्तान के आम चुनावों में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इमरान खान 11 अगस्त को पीएम पद की शपथ लेंगे। इसी बीच ये खबर आ रही है कि इस समारोह के लिए पीएम मोदी को खास तौर पर आमंत्रित किया जा सकता है। पीटीआई के एक नेता के हवाले से आई खबर के मुताबिक इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सार्क देशों के प्रमुखों को भी बुलाया जा सकता है। बीते सोमवार को पीएम मोदी ने इमरान खान को फोन करके उनकी पार्टी की जीत पर उन्हें बधाई भी दी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत सार्क के सभी देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सेना इमरान खान को भारत के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की इजाजत देगी, और अगर इमरान खान को प्रधानमंत्री मोदी को न्योता देने की इजाजत मिलती है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाएंगे, वो भी तब जब आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दिन ब दिन तल्ख होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।